मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम अपनी सुरभि हिंदी पाठमाला में से पेज नंबर 40 री की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों जब आपने स्वर पढ़े थे वहाँ से री ऋषि आपने पढ़ा था ना, वही मात्रा है री की मात्रा है। इसको र नहीं बोलना, मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसको र ऋषि नहीं बोलना, री ऋषि बोलना है और मात्रा में भी री पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। मको री ग मृग, मृग कैसे कहते हैं, हिरण को। नाको री प नृप, नृप राजे को कहते हैं। गाको री ह ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं, घर को। मको री ग मृग, नाको री प नृप। हाको री द य हृदय। वाको री श ब वृषभ। दको री ग दृग। काको री शाको छोटी कृषि। काको री श क कृषक। सको री ज न सृजन। गाको री ह गृह। माको री दाको छोटाऊ मृदु। ककु री पाकु न कृपान। छोटा अ माकु री त अमृत। बच्चों ऐसे ही आपने री की मात्रा पढ़नी है। इसकी री की 10 खड़ी नहीं होती, वो आपने कॉपी पे इसकी 10 खड़ी नहीं लिखनी है। ओके, थैंक्स।